बीच, अ सॉर्ट ऑफ एन एल क्लासिको, बड़ा मैच तो ये होने ही वाला था बिकॉज दो बड़ी टीम्स भिड़ रही थी। वैसे देखा जाए तो चेन्नई काफी पुअर परफॉर्मेंसेस के बाद ये मैच खेलने वाली थी, तो काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनली खेल जाए और फाइनली जीत जाए, और फाइनली जीत भी गई। ऐसी धमाकेदार जीत इन्होंने हासिल की कि सभी को चुप करा दिया और बता रहे हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही रहेगा। पर ये चीज नहीं है जो लोगों को नोटिस हुई, ये तो हुई, पर इसके साथ और एक चीज लोगों को नोटिस हुई जो चेन्नई के बारे में नहीं, वो थी बैंगलोर की टीम के बारे में। फाफ डु प्लेसी जब टॉस के लिए बाहर आए थे तभी उनके हाथ पे एक ब्लैक कलर का आर्मबैंड था। उसके बाद मैच शुरू होने के बाद पूरे टीम मेंबर्स ने एक ब्लैक आर्मबैंड बांधा हुआ था उनके हाथ पे। तो सभी को सवाल ये होगा कि ये आर्मबैंड क्यों? हम बताते हैं आपको। आपने तो नोटिस किया ही रहेगा कि इस मैच में हर्षल पटेल एब्सेंट है, जो उनके गो टू गेंदबाज होते थे। अगर वो ही मैच में नहीं खेले तो लोगों को डाउट तो होगा कि ऐसा क्यों। हर्षल पटेल रिसेंटली लॉस्ट हिज सिस्टर, उनकी बहन का देहांत हो गया जिसकी वजह से उन्हें वापस घर जाना पड़ा। That is why he was missing from the match. तो सिर्फ उन्हें याद करने के लिए the entire team was wearing black armband. यही होते कैमरेडरी, यही होता है ब्रदरहुड, यही है IPL. पूरी टीम एक प्लेयर को किस तरह सपोर्ट करती है ऑन एंड ऑफ द फील्ड, वो दिखता है ऐसे इंस्टेंसेस। बैंगलोर ने तो अपने प्लेयर को बहुत ज्यादा मिस किया, हमने भी किया। लेट्स सी जब वो वापस आते क्या वही जो एक शार्पनेस है जो बैंगलोर के गेंदबाजी को लाते, क्या वो भी उनके साथ वापस आता है, और किस तरीके से बैंगलोर इस हार के आगे बढ़ती है इन द IPL। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर फॉर मोर सच अपडेट्स।